हाय एवरीवन, यू आर अगेन वाचिंग कविता इज हियर। आज की इस वीडियो में हम फिर से न्यू ऑनलाइन कंपटीशन इवेंट के बारे में जानकारी कंफर्म करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, एंटरटेनमेंट एकेडमी इज ऑर्गेनाइजिंग अ न्यू ऑनलाइन कंपटीशन इवेंट 2021 नेम्ड एज ऑनलाइन टैलेंट हंट कंपटीशन। कीपिंग इन माइंड द करंट डेडली क्राइसिस COVID-19 पेंडेमिक, यू कैन पार्टिसिपेट फ्रीली इन दिस, नो एंट्री फीस रिक्वायर्ड। दैट्स वेरी नाइस। रिगार्डिंग एक्टिविटीज ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट की एक्टिविटीज कि यहाँ पर आप कितनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर आर 5 पॉपुलर एक्टिविटीज टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए 5 पॉपुलर एक्टिविटीज हैं। पेंटिंग, हैंड राइटिंग, पोयम राइटिंग, एसे राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग, कुल 5। रिगार्डिंग टॉपिक ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट का रिगार्डिंग टॉपिक विषय कि आपको एक्टिविटीज के लिए कौन सा विषय चूज करना है। एज दिस इज अ COVID-19 स्पेशल इवेंट, हेंस ऑल एक्टिविटीज टॉपिक इन दिस इवेंट मस्ट बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली COVID-19। ये एक कोरोना वायरस स्पेशल इवेंट है, डेट्स वाई सभी एक्टिविटीज का टॉपिक यानी विषय इस इवेंट में रिलेटेड होना चाहिए सिर्फ COVID-19 से ही। रिगार्डिंग गाइडलाइंस ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट की गाइडलाइंस दिशा निर्देश, फर्स्ट वन पेंटिंग, पेंटिंग की गाइडलाइंस, नो रेस्ट्रिक्शन अपॉन द यूज ऑफ मटेरियल्स मीडियम फॉर पेंटिंग, पेंटिंग के लिए मीडियम ऑब्लिक मटेरियल्स के केस में यूज के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। शीट पेपर यूज्ड फॉर मीडियम मस्ट बी A4 और A3 इन साइज। शीट पेपर जो आप पेंटिंग के लिए यूज करेंगे वो A4 या A3 का होना चाहिए साइज में। हैंड राइटिंग की गाइडलाइंस, नाउ हैंड राइटिंग लैंग्वेज कैन बी हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पर भाषा हो सकती है हिंदी या इंग्लिश। राइट एनी 5 लाइन्स बेस्ड ऑन COVID-19 इन हैंड राइटिंग, ये टॉपिक है कि आपको COVID-19 पर बेस्ड 5 लाइनें हैंड राइटिंग में लिखनी है। Use only pencil for writing. Writing with pen is inapplicable. Handwriting के लिए सिर्फ पेंसिल का ही इस्तेमाल करें। पेन के थ्रू राइटिंग यहाँ पर बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं होगी। हैंड रिटन वर्क इज एंटरटेन्ड ओनली, यहाँ पर सिर्फ हैंड रिटन वर्क ही अलाउड है। Now the guidelines of essay writing and story writing guidelines same for both. अब story writing और essay writing के दिशा निर्देश जानते हैं, दोनों के सेम हैं। Word limit is 300 to 400 words. दोनों एक्टिविटीज के लिए शब्द सीमा है 300 से 400 शब्द। लैंग्वेज मस्ट बी हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों के लिए भाषा होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी। फॉर्मेट अलाउड इज हैंड रिटन, यहाँ पर सिर्फ हैंड रिटन एसेज और स्टोरीज ही सबमिट करें। पोयम राइटिंग की गाइडलाइंस का कंफर्मेशन, गाइडलाइंस ऑफ पोयम राइटिंग, लाइंस लिमिट इज मैक्सिमम 10 लाइंस, लाइंस लिमिट है 10 लाइन। लैंग्वेज अलाउड इज हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश, पोयम को लिखें हिंदी या इंग्लिश भाषा में। फॉर्मेट शुड बी हैंड रिटन, दूसरी एक्टिविटीज की तरह यहाँ भी राइटिंग के लिए फॉर्मेट होना चाहिए हैंड रिटन। अब जानते हैं गाइडलाइंस से रिलेटेड अहम बिंदु के बारे में, मेन पॉइंट्स। नो प्लेगरिज्म अलाउड, सबमिट ओरिजिनल कंटेंट ओनली,
यहाँ पर कोई भी प्लेगरिज्म अपनाया नहीं जाएगा, सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट ही सबमिट करें। डोंट चीट फॉर एनी ऑफ द एक्टिविटीज। वन पार्टिसिपेंट कैन टेक पार्ट इन जस्ट वन एक्टिविटी एंड सेंड ओनली वन एंट्री। वन पार्टिसिपेंट के लिए ये रेस्ट्रिक्शन है कि वो सिर्फ एक ही एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और उस एक्टिविटी में सिर्फ एक ही एंट्री प्रविष्टि भेजे। आफ्टर यू फिल द फॉर्म, सर्टिफिकेट्स विल बी इशूड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल। आपके फॉर्म सक्सेसफुली फिल करने के बाद सर्टिफिकेट्स रजिस्टर्ड ईमेल पर इशू किए जाएंगे। रिगार्डिंग रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। इस इवेंट की रिगार्डिंग रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, योग्यता की कौन इसमें हिस्सा ले सकता है। द इवेंट फॉर ऑल एक्टिविटीज इज ओपन टू स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1-10 स्टैंडर्ड। सभी पांचों एक्टिविटीज के लिए इस इवेंट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ओपन है जिनका स्टैंडर्ड क्लास 1-10 के बीच में है। रिगार्डिंग टाइम लाइन ऑफ दिस इवेंट। इस इवेंट की रिगार्डिंग टाइम लाइन, समय सीमा की क्या है इसकी। इम्पॉर्टेंट डेट्स, लास्ट डेट टू सबमिट एंट्रीज फॉर दिस इवेंट इज May 5, 2021, सो काइंडली हरी अप। इस इवेंट में एंट्रीज सबमिशन की अंतिम तिथि है 5 मई 2021, इसलिए जल्दी करें। रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड बिफोर May 10, 2021। परिणामों का ऐलान होगा 10 मई 2021 से पहले, सो गुड लक इन एडवांस। विनर सर्टिफिकेट सेंडिंग वर्क विल बी डन बिफोर May 15, 2021। How to participate in this event? इस इवेंट में कैसे पार्टिसिपेट करें। For any of the activities, once you can submit your entry for this event through Google form, link below. इस इवेंट की किसी भी एक्टिविटी के लिए आप अपनी एंट्री का सबमिशन गूगल फॉर्म लिंक के थ्रू सक्सेसफुली कर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक। कॉन्टैक्ट इन्फो, संपर्क करने के साधन। फॉर मोर क्वेरीज एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ईमेल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आप सभी को इस यूनिक इनिशिएटिव की डिटेल्स काफी पसंद आई होगी। तो क्या करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। एज यूजुअल वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही ग्रेट इनिशिएटिव वीडियो समय समय पर प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। साथ ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू अपडेट के साथ। टिल देन ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।